गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की कक्षा में हम थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का महत्व क्या है। उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उद्दीपन और अनुक्रिया, जिसमें बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हमारी उत्तेजना जितनी प्रबल होगी, कार्य या अधिगम करने की कोशिश भी उतनी ही अधिक होगी। बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के, बिना उत्तेजना के कार्य नहीं होता। उत्तेजना के रूप में उन बिल्ली को क्या था, वो भूखी बिल्ली को उन्होंने रखा कि भूखी बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो उसके उस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप जो नियम निकल के आए थे, मैंने प्रमुख और गौण नियम उनके बारे में भी मैं बता दिया था कि प्रयोग के द्वारा क्या नियम निकल के आए थे। आज है कि इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो इसके शैक्षिक निहितार्थ जो है, पहला है थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीखने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करते। पहला महत्व है थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया में स्थापित करके उसका वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास करते। थॉर्नडाइक जो है, उन्होंने जो उद्दीपन और अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया है, उसमें उत्तेजना और प्रतिक्रिया को कोऑर्डिनेट करते हुए जो कोऑर्डिनेशन किया था, उसको एक वैज्ञानिक पद्धति से तर्कसंगत रूप से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जितनी हमारी उत्तेजना होगी, अर्थात जिज्ञासा, क्योंकि बिल्ली भूखी थी तो भूख उसकी उत्तेजना थी, उस भूख को शांत करने के लिए उसने जो है पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। यदि वो भूखी नहीं होती तो वो जो है उससे बाहर निकलने का भी जो है वो प्रयास नहीं करती। दूसरा है अधिगम के नियमों व उपनियमों का कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अधिगम के नियमों व उपनियमों का कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान होता है कि जो नियम दिए ना, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, तो कक्षा शिक्षण में उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान कैसे है कि वही नियम बालक के अधिगम के लिए भी लागू होते हैं कि अभ्यास का नियम, जो हम बार बार में किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो हमको काम में हमारी निपुणता आएगी, पारंगतता आएगी। दूसरा है प्रभाव का नियम। कार्य का परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, उसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पे कैसा पड़ रहा है, हमारे व्यवहार पर कैसा हो रहा है, तो वो हमारे अंदर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जो नियम उसने स्थापित किए थे उन सब का
कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को शिक्षण कराने में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तीसरा है अधिगम ही संयोजन है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में विभिन्न परिस्थितियों में संबंध स्थापित किया गया है। अधिगम ही तीसरा है अधिगम ही संयोजन है। अधिगम ही संयोजन है इस सिद्धांत का प्रतिपादन कक्षा शिक्षण में अधिगम का जो है संयोजन होना चाहिए। अधिगम करने के लिए दो परिस्थितियों में संयोजन होना महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है यह सिद्धांत प्रयत्न में भूल द्वारा सीखने पर बल देता है। चौथा है यह सिद्धांत प्रयत्न व कि गलतियां करके असफलता ही सफलता की कुंजी है, ये आपने सुना होगा। तो ये वही चीज़ है, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, पर उसमें जो त्रुटियां होती है, प्रयत्न और प्रयास में गलतियां भी हो सकती है। पहली बार जब हम काम करते हैं तो हमारी गलतियां की संख्या ज़्यादा होती है, दूसरी बार करेंगे तो उससे कम होगी, नेक्स्ट और उससे आगे करेंगे तो कम होगी। तो प्रयत्न प्रयास और भूल के सुधार में इनके द्वारा कार्य में निपुणता आती है, सीखने में निपुणता आती है, जिससे हम किसी भी काम को सही ढंग से जल्दी और बिना त्रुटि के करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है बालक समस्या का समाधान सही तरीके से कर सकता है। इसमें बालक समस्या का समाधान सही तरीके से करता है कि समस्या आई बिल्ली के सामने, बिल्ली को भूख लग रही थी, पिंजरे में बंद की, समस्या ये थी कि पिंजरे से निकलने के लिए उसने भरपूर प्रयास करा, उसमें अपनी बुद्धि को लगाया, प्रयत्न किया और धीरे धीरे उसको जो है सफलता हासिल। यदि हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे किसी चीज़ को प्राप्त करने का या कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमको जो है हमारी भूल में ना तो सुधार होगा, ना ही हम कोई नई चीज़ सीखेंगे, ना ही हमको अधिगम होगा। नेक्स्ट है कौशल विकास में यह सिद्धांत उपयोगी माना गया है। कौशल विकास में यह सिद्धांत उपयोगी
अभ्यास गणपति बोध सुझान, जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो धीरे धीरे हमको उस काम में कुशलता हासिल हो जाती है, उसमें निपुणता हासिल हो जाती है। तो निपुणता कब होती है? कार्य को बार बार करने की में कोशिश करना, उसको करने में संलग्न रहना, तभी हम उसमें निपुणता जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका जो है शैक्षिक महत्व है, अधिगम में बालक को अधिगम कराने में उस सिद्धांत को प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे उसने बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकलना सिखाया, वैसे ही जो है बालक को भी हम अधिगम करा सकते हैं। क्वेश्चन लिखो, कौन ड्राइव करके के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर।